अगर आप एक स्कोडा फैन हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, अगर नहीं है तो भी प्लीज ये वीडियो देखिएगा। हमारे साथ है स्कोडा की लेटेस्ट एंड मच अवेटेड काइलाक। ये इनका नेक्स्ट जनरेशन, ये इनका लेटेस्ट फ्यूचर रेडी एसयूवी है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सब 4 मीटर एसयूवी है जो लॉन्च हो गई थी। हमने इसका फर्स्ट वॉक अराउंड रिव्यू आपके लिए लाया था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी टाइट था, काफ़ी हमने उसको शूट किया था बहुत जल्दी में, लेकिन इसीलिए हम इसको आज लेके आए हैं इन ब्रॉड डे लाइट इन फ्लैश आपको दिखाने। स्कोडा का लेटेस्ट द काइलाक आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। वी टेल यू एवरीथिंग ऑन द लेटेस्ट स्कोडा इन टाउन। इसके पहले कि मैं आपको स्कोडा काइलाक दिखाऊं, ये है इसका की फॉब। एक टिपिकल स्कोडा वाला आपको की फॉब मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इसमें आपको लॉक अनलॉक और जो बूट खोलने का बटन है वो मिलता है, और ये जो इसका प्रोप्राइटरी आपका फोल्डेबल की है वो मिलता है विद द न्यू एज स्कोडा लोगो भैया। अगर डायमेंशंस की बात करें, आप अगर कंपेयर करें इसके बड़े भाई जो कुशाक है उससे, तो काइलाक का जो डायमेंशंस है वो कम है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कार एंड द व्हील बेस। लेकिन अगर आप बात करें इसके विड्थ की और हाइट की, तो काइलाक इज टॉलर एंड वाइडर देन द कुशाक। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो एक इसका जो एक डिज़ाइन लैंग्वेज है वो टिपिकल स्कोडा का है। आपको कुशाक की काफ़ी कुछ याद दिलाएगा इसका स्टाइलिंग, इसका जो एक बॉडी का एक रोड प्रेजेंस है या इसका एक अपील है वो। आपको न्यू एज स्कोडा का अगर आपने देखा है तो जो आपका एक बटरफ्लाई ग्रिल है जो काफ़ी न्यू है, अलग है, हटके, वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगेन यू गेट दिस वर्टिकल लाइंस जो एक स्लैट्स है जो इसको एक स्टाइलाइज करते हैं, एक अलग लुक देते हैं स्कोडा का। आपको यहाँ पे बैज मिल जाता है काफ़ी बोल्ड वाला। जो हेडलैम्प्स है वो यहाँ प्लेस किए हैं, स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अटेंशन टू डिटेल है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है इनटू द बम्पर वाला। इसके साथ में जो यहाँ पे इसका DRLs हैं, ये अगेन कन्वर्ट होते हैं टर्न लाइन्स में। जो DRL का लाइट है जो यहाँ पे है, ये अगेन दे टर्न, दे कन्वर्ट इनटू द टर्न लैम्प्स, तो ये ड्यूअल काम करते हैं। बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपका अनपेंटेड वाला जो एक सेक्शन है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आपको फॉस किट प्लेट मिल जाता है, अगेन एक SUV का एक बुच एक लुक देता है, अपील देता है। और जो स्कोडा का कैरेक्टर, जो आपको कैरेक्टर लाइंस मिलते हैं ऑन द बॉनेट, तो वो आपको यहाँ नज़र आएगा एक नए पैटर्न में, एक नए डिज़ाइन में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 205R17 आपको व्हील्स मिल जाते हैं, ड्यूअल एलॉय व्हील्स हैं ये। इसके साथ में अगर आपको देखें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दे रहे हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक दे रहे हैं यहाँ पे। और जो SUV का अपील को एनहांस करता है वो है ये क्लैडिंग जो रन करता है अंडर बॉडी में, और पीछे का जो व्हील है उसमें वहाँ पे ये मेड होता है। यहाँ पे यू गेट दिस डिफरेंट लुकिंग स्टाइलिंग ओवर हियर, एक इम्प्रिंट किया हुआ यहाँ पे, तो दैट गिव्स अ डिफरेंट अपील ओवर अगेन। साइड में आपको यहाँ पे कैरेक्टर लाइन मिल जाता है, डोर में क्रोम का इंसर्ट यूज़ किया हुआ है, आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो फ्रंट दोनों डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगेन रूफ रेल्स हैं यहाँ पे जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट लोड, लेकिन ये कॉस्मेटिक अपील और जो इसका लुक है, गाड़ी की हाइट है, उसको एक्सटेंड करता है, उसको एनहांस कर देता है। अगर आप देखें तो पीछे का जो स्टाइलिंग है, जो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ है यहाँ पे, सो दैट्स हाउ इट इज। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 189mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच शुड बी गुड इनफ फॉर योर इंडियन कंडीशंस। और जो टायर का ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है। ये है इसका फ्यूल फिलर जो अगेन टिपिकल स्कोडा के फैशन में खुल जाता है, स्कोडा ऑडी बोल दीजिए या वोक्सवैगन बोल दीजिए। अगर आप काइलाक के रेयर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे भी आपको कुशाक की याद आएगी, जो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो इसका एक फ्लो है वो है। लेकिन यहाँ पे आपको सी डिज़ाइन में अलग आपको टेल लैंप्स मिलते हैं, LED टेल लैंप मिल जाता है, ये इसका टर्न लैंप है, और जो इसका रिवर्स लाइट है ये भी वाइट LED के ग्लो में आता है। जो आपको साइड में मिला था, जो डिज़ाइन जो मिला था आपको टेक्सचर, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा अगेन स्कोडा के बैजिंग के साथ में। ये स्कोडा का बैजिंग काफ़ी बोल्ड में है, ये इनका न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है यहाँ पे। अगेन जो ग्लास है इसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, पीछे आपको वॉशर दिया हुआ है, इसका स्पॉइलर है इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो इसका बम्पर है इसमें भी आपको अगेन यहाँ पे एक फॉस ट्रिपलेट दे रहे हैं, अनपेंटेड बम्पर है ये। काइलाक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैजिंग है यहाँ पे क्रोम में,
जो फिनिश करता है इसका रेयर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको ट्रिम का कोई बैजिंग नहीं मिल जाता या फिर इंजन का जो बैजिंग है वो आपको नहीं मिल जाता। एक ही इंजन आपको मिलेगा ये गाड़ी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, लेकिन यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं है। तो दे डोंट वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रिम्स। ये इसका पीछे का आपको रेगुलेटर मिल जाता है और पीछे आपको यहाँ पे 2 रिवर्स सेंसर मिलते हैं। बूट खोलने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट का एक बटन मिल जाता है एंड दिस इज हाउ द बूट ओपन्स। आपको क्लास बेस्ट बूट स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट ये बूट जो इसका बड़ा भाई है कुशाक उससे भी बड़ा है ये। 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कुशाक में, यहाँ पे आपको 446 लीटर मिल जाता है। अगर ये हम इसका पासिंग का ट्रे निकालें तो दिस इज हाउ स्पेशियस द बूट इज, 446 लीटर्स। ये इसका जो इसका एक लोडिंग का लिप है वो आपको यहाँ पर देख लीजिए। आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। अब इसका स्पेयर व्हील देखें तो आपको स्टील रिम्स दे रहे हैं यहाँ पे जो कि R15 है, तो इट्स अ स्मॉलर साइज। लेकिन ये इसका टूल किट है, यहाँ पे आपको सब वूफर यहाँ पे नहीं दे रहे ये, दैट्स हाउ इट इज। और जो खास बात है कि ये जो इसका पीछे का ट्रे है, अगर आप ये ट्रे को आपको यूज़ नहीं करना है तो यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर। आपको कहीं पे इसको छुपाने की या रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट हियर और ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने इसका प्रोविजन किया हुआ है टू कीप द ट्रे ओवर देयर। एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस, अगर आपको लगे कि स्पेस कम है तो ये जो स्प्लिट सीट है इसको आप नीचे फोल्ड कर दो कुछ ऐसे एंड यू हैव मोर स्पेस ओवर हियर। टिपिकल आपको स्कोडा के फैशन में यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है। आपने देखा होगा ऑक्टाविया में, कोडियाक में, ऑल द स्कोडा मॉडल्स, ये बूट का जो लिड है उसको बंद करने के लिए, तो यहाँ पे हैंडल नहीं है, ये यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, इसको खींच के इसको आपने इसे बंद करना है। इंजन की बात करें ऑफ द स्कोडा काइलाक, तो इसमें आपको एक इंजन ऑप्शन मिल जाता है। इसका जो स्टॉक है ये उल्टे साइड पे है, ये यहाँ पे दिस इज द 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि इनकी खासियत है, इनकी खास बात है ऑफ द स्कोडा वॉक्सवैगन फैमिली। ये इंजन बनाता है 114 BHP ऑफ पावर। इसमें आपको 178 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन तो आपको 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक मिल जाता है ऑप्शंस। ये वही इंजन है जो ऑल्सो पावर करता है कुशाक को। लेकिन ये कैसे चलता है इसका इसका इस गाड़ी पे इसका कैसा परफॉर्मेंस है हम आपको बताएंगे इन आवर कंप्लीट ड्राइव रिव्यू जो बाद में आएगा, ये बस सिर्फ फर्स्ट लुक रिव्यू है। अगर बात करें ऑफ द माइलेज तो ऑन द कुशाक जो आपको माइलेज मिलता है उससे आपको इसमें ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि पावर टू वेट रेशो जो है वो इसमें अच्छा है। दिस इज़ अ बिट स्मॉलर कार एंड अ लाइटर कार, तो एक्सपेक्ट बेटर फ्यूल इकोनॉमी ऑन द काइलाक। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक टिपिकल स्कोडा फैशन वाला एक डार्क इंटीरियर थीम मिल जाता है, लेकिन ऑल डार्क इंटीरियर थीम नहीं है। यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर का इसमें आपको टेक्सचर है ये इंसर्ट दिया हुआ है और एक ग्रीन कलर का यहाँ पे एक बैंड है स्कोडा के बैच के साथ में, तो ये उठाव देता है डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ऊंधा लग रहा है टिपिकल स्कोडा फैशन में। अगेन यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है, एसी के वेंट्स के अगल बगल में आपको क्रोम मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक जो पियानो ब्लैक है वो आपको यहाँ पे फिनिश मिलेगा एसी के अगल बगल में। और जो खास बात है वो इसका एवियन सिस्टम है, ये ऑल न्यू एवियन सिस्टम है। अगर आप कुशाक से कंपेयर करो तो उससे आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, मच मोर शार्पर, और जो इसका यूजेबिलिटी है, जो इसका यूज़ है, ये भी काफ़ी यू नो हाई क्वालिटी का है। इसको अपडेट किया हुआ है, 10 इंच का आपको एवियन सिस्टम दे रहे हैं यहाँ पे। अगर ड्राइवर डिस्प्ले की बात करें तो ये अगेन आपको कुशाक और जो स्लाविया है, जो फैमिली इनकी गाड़ी की है, उसकी याद दिलाएगा। ये एक 8 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे साइड का जो स्पेस है इसको उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, ये आपका जो फ्यूल गेज है, फ्यूल मीटर है, वो मिल जाता है। आपका इंजन और स्पीड और जो आपका RPM है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके साथ में ये आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करने का, टेम्परेचर जो है बाहर का वो, और जो टाइम है वो आपको मिलेगा अलॉन्ग विद ऑल द ट्रिप मीटर एंड द ऑडोमीटर, और जो आपका डिस्टेंस टू MTA DTE है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप चेंज करें इसका डिस्प्ले तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आएगा, ये आपका दूसरा डिस्प्ले है। यू कैन यू नो टॉगल बिटवीन द डिस्प्लेस, आपको कौन सा डिस्प्ले चाहिए, कौन सा लुक चाहिए, कुछ ऐसे। की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग दे रहे हैं ये, इसमें आपको हैंड स्टिच दे रहे हैं, इसमें काफी अच्छा एक सॉफ्ट फील है। क्रोम का इंसर्ट है, अगेन ये 2-spoke है जो लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज है फ्रॉम स्कोडा वो है। इसमें आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है और रीच का एडजस्ट मिल जाता है, तो जो कि काफी कंफर्टिंग फीचर है।
जो कि रीच का फीचर होता है वो कम मिलता है इस सेगमेंट में, तो दैट इज हाउ इट इज। अगर आप बात करें ऑफ द सेंटर कंसोल, तो यहाँ पे आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, अगेन कुशाक स्लाविया वाला जो स्लाइड वाला फील है वो आपको यहाँ नजर आएगा, वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे। आपको सामने के जो फ्रंट के दोनों सीट है उसमें आपको सीट का कूलिंग फीचर मिल जाता है, और जो सेगमेंट फर्स्ट आपको दोनों सीट में आपको सीट का जो इलेक्ट्रिक एग्जस्ट है 6-way वो मिल जाता है। सो बोथ द फ्रंट सीट्स, द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर सीट्स आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। ये जो आवाज़ आपको आ रहा है ये सीट वेंटिलेशन है उसका आवाज़ है ये। अगेन गोइंग अहेड, इसके बाद में ये हो गया आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो फीचर है उसको करने का, ऑन ऑफ करने का बटन। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक है, ये आपका हैजर्ड है, ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। यहाँ पे आपको 2 USB-C का चार्जिंग पोर्ट दे रहे हैं, पावर आउटलेट दे रहे हैं यहाँ पे मोबाइल के लिए, और जो वायरलेस मोबाइल डॉक है वो यहाँ पे है। ये आपका पावर आउटलेट का जो पोर्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका मैनुअल शिफ्टर, अगेन आपको कुशाक और स्लाविया जो है उसकी याद दिलाएगा, अगेन क्रोम के इंसर्ट में। काफ़ी प्रीमियम लुक है, काफ़ी प्रीमियम एक फैशन में बना हुआ है इसका सेंटर कंसोल। जो यहाँ पे जो स्लॉट है ये क्यों है, ये आपकी चाबी रखने के लिए, पुट द की ओवर देयर। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, आपका एक प्रॉपर एक हैंड ब्रेक जो है मैनुअल वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि जिसके नीचे आपको यहाँ पे थोड़े बहुत जगह दी हुई है यहाँ पे। अगर आप जगह की बात करें तो जो इसका ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी अकोमोडेटिंग है, और जो इसका फील है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये यहाँ पे आपको कूलिंग फीचर दे रहे हैं, और एक छोटा एक कबी होल है विच कैन बी रिमोट। इसमें आपने आपका कोई पेन रख दिया, कोई चाबी रख दी, आपने आपका काम कर लिया, साइन कर लिया, और इसको वापस यहाँ पे रख के यू कैन जस्ट स्लॉट इट बैक हियर, और ये हो गया रेडी, दिस इज गॉन इन एंड दिस जस्ट क्लोजेस। तो काफ़ी एक 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 अच्छा फील है, एक अच्छा एक यूटिलिटी का एक बॉक्स दिया हुआ है, और जो इसका फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। आइए मिलते हैं AVN सिस्टम जो अपडेट किया हुआ है जो इसका AVN सिस्टम है उससे। ये इसका होम का बटन है, ये आपका फ़ोन का बटन है, इसके साथ में यू कैन ऐड मोर डिवाइसेस टू इट। इसके बाद में अगर आप देखें तो ये आपका जो ऐप्स जो स्कोडा के ऐप्स हैं अभी तक ये इसमें इन्होंने लोड नहीं किए हुए वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये आपका जो वाईफाई है इन कार आपको कनेक्ट करना है उसके लिए है, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए। ये आपका स्क्रीन को ऑफ करने के लिए है आई थिंक, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा है। इसके साथ में दिस इज़ योर वॉल्यूम का जो बटन जो स्क्रोल है वो है, एंड यू कैन गो बैक टू होम हियर। तो यू हैव नेविगेशन, ये आपका नेविगेशन है, यू नीड टू लॉग इन फॉर दैट, जो हमने नहीं किया अब तक और जो हम नहीं कर पाएंगे अब तक अभी के लिए। फ़ोन है, ये आपका ड्राइविंग डेटा है, व्हीकल स्टेटस है, योर ऐप्स, योर स्कोडा ऐप्स, तो ये इसके सेटिंग्स हैं, जो कि साउंड है, जो इसका स्कोडा साउंड सिस्टम जो आता है एक यूनिक एक काफ़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम है इस सेगमेंट में, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। वैले मोड लाइट्स है, ऑडियो सेटिंग स्क्रीन ऑफ, और देर इज़ नो एडास इन दिस। आपको ABS मिल जाता है, आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं ऑन द बेस मॉडल, EBD मिल जाता है, यू हैव योर रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। जो चीज़ मिसिंग है वो है इसका सराउंड कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा है, आई वुड हैव लाइक दैट। और जो इसका रिवर्स कैमरा है वो भी थोड़ा फीका है, आई थिंक दे कुड हैव गिवन अ बेटर कैमरा, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है लेकिन जो इसका कैमरा का क्वालिटी है आई थिंक वो इसमें थोड़ा मार खा रहा है, बट देन नेवरदलेस आपको सराउंड कैमरा नहीं दे रही है। ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाते हैं आपको, ये इसका रीडिंग लाइट है जो वाइट कलर में, अगेन यू हैव दिस LED लाइट्स, और जो आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दे रही है, कुछ ऐसे खुलता ही है, तो आपका जो अंदर का जो सन वाइजर है उसको आपको मैन्युअली खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये वन टच में चल जाता है, और फिर इसको आपको मैन्युअली बंद करना है कुछ ऐसे, और ये खुलता भी वन टच में है। तो दिस इज अ गुड साइज्ड यू नो सनरूफ, जो इतना खुलता है, इतना पार्ट नहीं खुलता, दिस डजंट ओपन, लेकिन ये वन टच में बंद होता है, देन यू नीड टू क्लोज दिस आल्सो मैन्युअली। टिपिकल स्कोडा फैमिली फैशन में आपका जो स्टार्ट स्टॉप बटन है उसको कॉलम में माउंट किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे या यहाँ पे नहीं है, ये टिपिकल स्कोडा वाला। अगर आपने ऑक्टाविया यूज़ किया है, कोडियाक यूज़ किया है, स्लाविया यूज़ किया है, कुशाक यूज़ किया, तो आपको ये याद दिलाएगा अगर आप स्कोडा फैन हो तो। इसके बाद में जो ग्रीन कलर का इंसर्ट जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, वो कंटिन्यू होता है डोर पैड में यहाँ पे, तो ये काफ़ी अलग फील देता है, एक अलग लुक देता है। जो आपके विंडो पावर विंडो के बटन्स है इसमें आपको मिल जाता है इल्यूमिनेशन जो रात को काम आता है, एंड ऑन ऑल द डोर्स। इसके साथ में जो ड्राइवर साइड का बटन है जो विंडो आप लोगों को पता है वो ऑटो डाउन है और ऑटो अप भी है, तो दिस इज अगेन अ कन्वीनियंट फीचर। लेकिन
जो बाकी के विंडोज है ये ऑटो अप ऑटो डाउन नहीं है, तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई मिस। काफी बड़े आपको यहाँ पे डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं टू कीप योर बॉटल होल्डर्स एंड ऑल दैट। तो ये ड्यूअल कलर में आ जाता है। ये आपका स्पीकर है यहाँ पे, अगेन क्रोम का यूज किया हुआ है। टेक्सचर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, आपको सिक्स वे मिल जाता है एडजस्ट। ये आगे करो, ये पीछे करो, और ये इसका जो बैकरेस्ट है ये एंगल करो, और इसका हाइट को भी अप और डाउन करो, तो सिक्स वे आपको एडजस्ट मिल जाता है ऑन बोथ द सीट्स, विच इज़ अ बिग प्लस, बिग यू नो कंफर्ट का एक फीचर है, एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है ये। अगर पेडल्स देखें तो जो इनका स्पेसिंग है ये दिस इज कम्फर्टिंग। इसमें आपका जो शूज़ है या जो भी आपके पैर आपके स्टिक नहीं करेंगे, आपको डेड पेडल भी दे रहे हैं यहाँ पे, सो दैट्स हाउ इट इज़। और जो बॉनेट खोलने का जो नॉब है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको इजीली मिल जाएगा रात के टाइम पे खास करके, तो नॉब इज़ ओवर हियर। रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो डोर का जो अपर्चर है, डोर खुलने का जो एंगल है वो कुछ ऐसे है, और ये है इसका डोर का ओपनिंग। अगर आप इंग्रेस की बात करें कमिंग इनटू द कार, काइलक स्पेशली, तो जो एंट्री का जो एंगल है, जो एंट्री का पोजिशन है वो काफ़ी ईजी है। यू कैन जस्ट वॉक इन टू द सीट, और मेरे सीट में बैठते ही फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इज द सीट का पैडिंग, सीट का कंफर्ट। वो मैंने सामने के सीट में भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन जो पीछे का कंफर्ट है वो काफ़ी अलग है। इट इज़ वेरी, यू नो, द सीट हग्स यू। ये जो इसका काउंटरिंग है, जो इसका शेप है, जो डिज़ाइन है, ये आपको टिपिकल एक कंफर्ट के लेवल में आपको हग करता है। आपको यहाँ पे मोबाइल का जगह दिया हुआ है, मोबाइल स्पेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए मैप पॉकेट दिए हुए हैं। पीछे आपको एसी के वेंट भी मिल जाते हैं, दो USB-C के पोर्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी मोबाइल होल्डर है, मैप पॉकेट दिया हुआ है। काफ़ी सारा लाइट कमिंग इन सनरूफ के साथ में, साइड के ग्लास के हिसाब से। और जो आपको यहाँ पे एक हेडरेस्ट मिल जाता है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीन हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तो तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये है इसका जो आर्मरेस्ट है फोल्डेबल, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और साइड का जो पैडिंग है ये खास करके मुझे पसंद आया, और ये अंडर थाई सपोर्ट को जो एक्सटेंड करता है वो। अगर आप लेग रूम की बात करें तो ये मेरा नी रूम है, ये मेरा हेड रूम है, और विच इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर दिस क्लास। आपको ट्रांसमिशन जो हम्प है, जो टनल है, वो यहाँ पे आपको थोड़ा एविडेंट होगा। और अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ फिर भी मामला इतना कुछ बुरा नहीं है। आई एम अगेन कम्फर्टेबल ओवर हियर ऑल्सो, एंड थिंग्स आर प्रीटी नीट। जो आगे का डोर है उसी की तरह आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारा जगह मिल जाता है बॉटल होल्ड करने के लिए, या कुछ सामान डालने के लिए, निक स्नैक्स डालने के लिए, और यहाँ पे भी जगह मिल जाता है। जो ग्रीन आपको सामने मिल रहा है पैटर्न डोर में, वो यहाँ पे भी है, और इस टेक्सचर के साथ में एक अलग थीम दे देता है ये जो टेक्सचर है इंटीरियर्स को, और काइलक का जो एक थीम है उसको एक काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रहा है, खासकर ये क्रोम और ब्लैक का यूज़। ये था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ द स्कोडा काइलक। काफ़ी सारे है एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम स्कोडा फॉर द काइलक। अगर आप स्कोडा फैन है तो आपके भी होप्स काफ़ी हाई होंगे ऑन दिस मॉडल, एंड राइटली सो। स्कोडा जाना जाता है कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपने प्रीमियम राइड क्वालिटी के लिए। इसका जो राइड क्वालिटी है, इसका जो ड्राइव है, इसका हम रिव्यू बाद में करेंगे जब हम इसको गाड़ी को चलाएंगे इन डिटेल। अब हम इस गाड़ी को चला नहीं सकते। हमने आपको बताया ये गाड़ी के बारे में अंदर से बाहर से फ्रॉम एवरी एंगल दैट वी कुड, इन प्रॉपर ब्रॉड सनलाइट, इन एक्चुअल ड्राइव जो कंडीशंस है, रोड कंडीशंस है वहाँ पे। जो इसका एक कंप्लीट रिव्यू आएगा वो बाद में आएगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो ये कॉम्पीट करती है, द काइलक कॉम्पीट्स इन इट्स क्लास विद द सेगमेंट लीडर जो कि मारुति सुजुकी ब्रेजा है। साथ में जो किया की सोनेट है, हुंडई की वेन्यू है, टाटा की नेक्सॉन है, महिंद्रा की 3XO है, इस गाड़ियों से ये गाड़ी कॉम्पीट करती है। एंड वेरी क्राउडेड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट। गाड़ी के प्राइसेस 789 फॉर द बेस मॉडल। जो टॉप एंड मॉडल है वो ये, इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं राउंड अबाउट 15 लाख में अगर आपको स्कोडा गाड़ी मिलेगी एंड SUV आप लोगे क्या नहीं लोगे, यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये गाड़ी किस तरीके आपको बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया प्लेटफॉर्म द MQB A0IN जो प्लेटफॉर्म है खास करके इंडिया के लिए, उस पर बनी है ये गाड़ी। और ये गाड़ी का जो एक श्रेय है, ये गाड़ी नंबर्स लाएगी फॉर स्कोडा, दैट दैट्स फॉर द कंपनी थिंग्स। सो साइनिंग ऑफ विद द कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू कीप स्प्रेडिंग योर लव, सेंडिंग योर लव टू अस। We'll be right back.